दोस्तों आप लोग देख पा रहे हो कि जो हमारे गेम के अंदर न्यू ट्रक ऐड हुआ है, यानी कि डंपर ऐड हुआ है, यह भी यहाँ पे फंस चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको कैमरा एंगल चेंज करके दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये यह फंस चुका है। ये है दोस्तों मूड मोड और इसके अंदर ये फंस चुका है। अब इसको कैसे निकालेंगे हम निकालने वाले इसको जेसीबी को। अब क्या करते हैं, हम वापस मैं वही कैमरा एंगल ले लेता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हो ये फंस चुका है, निकल नहीं रहा है। तो अब क्या करते हैं, हम जेसीबी को बुलाते हैं। तो यहाँ पे आपको पता ही होगा, यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे तो हमारा जो भी दूसरा व्हीकल्स है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जेसीबी मैंने पहले ले रखी है, चलो जेसीबी से हम निकालते हैं। फिर अगर जेसीबी से नहीं निकलता है तो हम ट्रैक्टर से भी ट्राई करके जरूर देखेंगे। तो यहाँ पे जेसीबी को लेकर चलते हैं। तो ये जेसीबी कंट्रोलर है, इनसे निकालने वाले हैं हम। क्या करते हैं, आगे वाले इससे निकालते हैं। तो ये देख सकते हो आप, तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं इसको, अब देख सकते हो आप हमारा ट्रक निकलने वाला है। तो ये देख सकते हो हमने आगे तो इसको खिसका दिया, वापस पीछे करते थोड़ा सा और इसको थोड़ा ऊंचा करते हैं, फिर निकालते थोड़ा बैग आते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से हम निकालने वाले हैं। अब आगे लेके चलते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा ट्रक बस निकलने वाला है, लेकिन जेसीबी से क्या दोस्तों, हमारा ट्रक थोड़ा आगे पीछे जा रहा है, सही तरीके से नहीं निकलेगा। निकल जाएगा लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, क्योंकि हमें करना पड़ेगा आगे पीछे। तो हम क्या करते हैं, ट्रैक्टर को बुलाते हैं। वैसे आप पीछे वाला ये है, इससे भी निकाल सकते हो, ये भी काम करता है कंट्रोलर का। ये देख सकते हो आप, यहाँ पर मैं दिखाऊँ तो आपको, ये देख सकते हो इससे भी आप निकाल सकते हो। चलो हम इससे भी निकालने की ट्राई करते हैं एक बार थोड़ा सा आगे जाके। तो यहाँ पर देख सकते हो, वैसे तो हमारी जेसीबी भी फंस जाएगी, क्योंकि आप लोगों को पता होगा जेसीबी में वजन होता है। तो हम क्या करते हैं, ट्रैक्टर को बुलाते हैं। तो यहाँ पे वापस क्लिक करना है आपको और यहाँ पे ले लेना आपको ट्रैक्टर। तो यहाँ पे कोई सा भी ट्रैक्टर मैं ले लेता हूँ। तो यहाँ पे हम सबसे नीचे जाते हैं, ये वाला ट्रैक्टर ले लेते हैं। ये वाला ट्रैक्टर मैंने ले लिया। अब क्या करना है, इसको कैसे निकालना है आपको मैं बता दूँ। आपको थोड़ा सा आगे जाना है और यहाँ पर आपको क्या ऑप्शन मिलता है आपको पता ही होगा, यानी कि फ्रंट टोचन का ऑप्शन मिलता है। तो हम क्या करने वाले हैं, टोचन करके निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, अब यहाँ पे क्लिक करेंगे हम, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, सीधा पीछे आ जाना है। पीछे आ जाने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है चेन पे। चेन पे क्लिक करोगे तो हमारी चेन जुट जाएगी। अब निकालते हैं हम, यहाँ पर AI पे क्लिक कर देते ताकि ट्रक भी जोड़ लगाए। तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया वहाँ पर, अब हमारे ट्रक भी देख सकते हो जोर लगा रहा है। बस हमारा दोस्तों निकलने वाला है ट्रक, देखना आप बस जल्दी निकलेगा। तो यहाँ पे फुल स्पीड हम कर लेते हैं, फिर निकालते हैं यहाँ पे और स्पीड बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे आपको स्पीड मिलती है, इसको फुल कर देता हूँ मैं। यहाँ पे ये फुल कर दी मैंने और यहाँ पर इसको भी फुल कर देता हूँ मैं, यानी कि सारी चीज़ को मैं क्या कर देता हूँ, फुल कर देता हूँ। तो ये मैंने फुल कर दी इसको भी, अब हम निकालते हैं देखते हैं। तो यहाँ पे ट्रक पे जाता हूँ मैं, ट्रक से भी थोड़ा जोर लगाते हैं हम। तो यहाँ पे देखना, अब निकलने वाला है। बस ये देख सकते हो हमारा ट्रक निकल चुका है, और इस तरीके से आप ट्रक को निकाल सकते हो। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कर बताना, और कलर चेंजिंग का भी बता देता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे देख सकते हो, मतलब आज की वीडियो के अंदर दोस्तों मेन टॉपिक हमारा था कि है ना, ये पूरे जो हमारे ट्रक है ना, ये पूरे मैप के अंदर आ चुका है, यानी कि जितने भी गेम के अंदर हमारे है, मतलब जितने मैप मिलते हैं हमको, सब मैप के अंदर ट्रक ऐड हो चुका है। और उसका अलावा दोस्तों ट्रक गेम के अंदर, मतलब सारे मैप के अंदर तो ऐड हो चुका है, उसके अलावा इसके अंदर कलर चेंजिंग का ऑप्शन भी आ चुका है। यहाँ पे मैं सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको रोक के और ऑफ कर देता हूँ इसको, और यहाँ पर ट्रक पर आ जाता हूँ सीधा सा। अब यहाँ पर कलर चेंजिंग का ऑप्शन निकालते हैं, कस्टमाइज कलर चेंजिंग। यहाँ पर बॉडी कलर आप देख सकते हो, यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से आप इसका बॉडी कलर चेंज कर सकते हो, कलर चेंजिंग का ऑप्शन आ चुका है, और इसको आगे पीछे इस तरीके से आप कर सकते हो, देख पा रहे हो। तो मतलब ये ऑप्शन भी आपको पता होगा, कैसा लगा आपको डंपर करने का ऑप्शन, ये भी कमेंट कर बताना। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। और अपडेट आपको 5 मई तक मिलेगा, आपको मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था, वो वीडियो देख लेना अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो।